हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमने गाड़ी का जो है GM रिप्लेस किया है, जो कि बहुत सारे भाइयों को दिक्कत होती है कि इतने सारे अगर फिश निकाल दिए तो किस तरह से इनको हम। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देखें कि अभी हम जो है GM को ये रिन्यू कर रहे हैं, GM को जो है ओपन कर रहे हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से ओपन करना, ओपन करने के लिए पहले हमें क्या करना है, जो 13 नंबर के दो नट रहते हैं बड़े, जो डायरेक्ट करंट बैटरी से आता है, उनको हम खोल लेंगे। उसके बाद वन बाई वन जितनी भी फिशें हैं सबको हम निकाल लेंगे अपने हाथ से या टेस्टर के माध्यम से हमें उन्हें निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो है मैं जिस तरह से मैं खोल रहा हूँ GM को, आप इस तरह से खोलेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे फर्स्ट आपने क्या करना है, बैटरी का तार आपने निकाल देना है, माइनस का निकाल दें या दोनों निकाल दें वो तो आपके ऊपर निर्भर है, और जो की रहेगी मैं चाबी से उससे बाहर कर देना है। तो अभी मैं फिश निकालने में लगा हूँ। आखिरी में आपको वीडियो जैसे जैसे आगे जाएगा आप देखते रहेंगे किस तरह से रिमूव करते हैं, उसके बाद किस तरह से मैंने इसको फिटिंग किया हुआ है। फिटिंग करने में उससे तो एक आध घंटा लग जाता है, लेकिन वीडियो ये मेरा 10 से 15 मिनट का रहेगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी के साथ। तो अभी हमने जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैं फिशें निकाल रहा हूँ ना ही कोई मार्किंग कर रहा हूँ और ना ही इसके ऊपर कोई नंबर देख रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी नंबर पड़े हुए हैं, उन्हीं नंबर से हम काम चला लेंगे। ये सारी बातें आपको जब पता चलेंगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि वीडियो को पूरा देखें इसके बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो में आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, अगर स्किप करेंगे तो क्या होगा कि वीडियो से आगे निकल जाएगा नंबर। तो अभी मैंने ये जो है इधर से खोल दिया, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर लगी होती है पिन, दो पिने होते हैं जिसके साथ में छोटे छोटे दो बक्स होते हैं, तो उनको क्या करना है, हमें अंदर की साइड से बाहर की साइड में दबाना है, यानी वो जो है वो दो छोटा सा फ्यूज बॉक्स है उसके साथ रहेगा, ना कि आपके GM के साथ। उनको हटाएंगे, इधर का एक हटाना है और इधर का A1 A2 ये फ्यूज रहते हैं, फ्यूज बॉक्स, इसको हम हटा लेंगे। और ये पूरा जो भी काम करें इसको बहुत ही सावधानी के साथ करना है, ताकि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना, ऐसा ना हो कि आप तार की फिश पकड़ के खींचे तो क्या होगा, अंदर से ही तार निकल आए तो उसका फ़ायदा नहीं होगा फिर। तो टाइम भले आपको ज़्यादा लग जाए, जैसे कि घंटे का काम है 2 घंटे में हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए गाड़ी के अंदर। तो अभी जैसे कि देखेंगे हमने GM को जो है पूरा अभी निकाल लिया है, और दूसरा GM हमें तरतीब जो जो दूसरा GM जो है फिट करेंगे, यानी फ्यूज बॉक्स जो है दूसरा लगाएंगे। फ्यूज बॉक्स आपने चेंज करने के लिए उसका नंबर देखना है, और अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो ये देखना है आपका बल्ब अत्तास कौन सा, बड़ा है या छोटा है, गाड़ी बैलून वाली है, मैनुअल ऑटोमेटिक है, अगर आपके गाड़ी उसी के हिसाब से आपने चेंज करना है। ये नहीं आपने जब खोला और IG का डाल दिया तो क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नंबर भले सेम ना, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी ये मैंने खोल लिया है, लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है इनको लगा सकते हैं दोबारा से। इसको लगाने के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं, बहुत ही छोटी बात है। आप देखेंगे जितने भी फिश मिलेंगे ना, इसके ऊपर आपको एक नंबर मिल जाएगा, जिससे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है A7.1। A7 जो नंबर रहता है वो ये पूरा फ्यूज बॉक्स जो है इसका नंबर है, और ये एक नंबर है फिश का नंबर, यानी X1 है ये। फिर इसी तरह से हम जो देखेंगे X2, ये देखेंगे ये लिखा हुआ है A7.2, तो A.2 मतलब कदम मिलेगा, ये X1 है तो ये एक नंबर हो गया, ये X2 तो ये दो नंबर हो गया, X3 X4 X7 8 9 10 11 12, इस तरह से सारे आपको जो है मिल जाएंगे। तो अभी हम एक वन बाय वन लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम लगा सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये X के ऊपर लिखा हुआ है क्या, ये एक नंबर, ये कहाँ लगाना है, इधर इसमें लगा देंगे, ये कहा है कि हमारा बैलून का रहता है। उसके बाद फिर चेक करेंगे, दो नंबर लिखा, दो नंबर कहाँ पे लगा देंगे, ये दो नंबर में इसको लगा देंगे। फिर हम देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर, ये 7.3 नंबर, तो ये है हमारा X3। फिर उसके नंबर ये देखेंगे, ये कौन सा नंबर है, 4 नंबर, तो ये हमारा आ गया यहाँ 4 नंबर।
और ये देखेंगे ये कौन सा है, पाँच नंबर, तो यहाँ पाँच नंबर लगा देंगे। तो ये हमारे हो गए ओके। उसके बाद ये बचे हुए हैं, इसी तरह से हमें लगाना। जैसे कि आप देखेंगे ये लिखा है 12, ये 12 है 11, तो 12 कौन सा आएगा, ये वाला 11, ये इधर भी दो नंबर का 12 रहेगा, तो 11 पहले ढूंढ लेंगे। ये 11, ये जो हमारा कैन का है, कैन नेटवर्क का जी, ग्यारह हो गया। फिर उसके बाद 12 नंबर, 12 का फिर देखेंगे नंबर, ये 13 नंबर है, 3 लिखा हुआ है लेकिन ये 13 है, 13 नंबर है, यहाँ पे लगा देंगे 13। ये 14 नंबर है, 14 नंबर को यहाँ पे हम लगा देंगे। साथ में काउंट भी हम करते रहेंगे। ये देखो यहाँ पे देखेंगे 4 लिखा, इसके नीचे लिखा हुआ 14 नंबर, तो 14 नंबर ये नीचे आएगा यहाँ पे, उंगली यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा है, ये इसके ऊपर ये है 16 नंबर, ये 16 कहाँ पे मिलेगा हमें, ये 16 हमारा ये वाला है, लेकिन अभी हम इसे नहीं लगाएंगे, पहले इधर से लगाना शुरू करेंगे। ये हमारा 10 नंबर, तो 10 नंबर हमारा आएगा ये 10। उसके बाद है ये 10 के बाद आएगा ये 8 नंबर, ये यहाँ पे हमारा आ गया 8 नंबर। फिर उसके बाद कौन सा बचा है, ये 17 नंबर, तो ये यहाँ पे आएगा हमारा 17 नंबर, 17 के बाद आ गया 16, तो ये है हमारा 16 नंबर। अब इसके बाद ये देखेंगे ये कौन सा, ये 15 नंबर, ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो आपने देखा इस तरह से आप इधर 2 मिनट में या 3 मिनट में भी इसको हम जीएम को आराम से फिट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे रिले सारे फ्यूज लगा देंगे, और ये सारा काम करने के लिए आपको बैटरी का तार उतारना ज़रूरी है। अब हम आगे इसी तरह से बाहर, अब बाहर किस तरह से लगाएंगे और उसके बारे में आपको बताता है। ये जो कपलर रहते हैं ये हमारे यहाँ चेचिस कपलर, सारे ऊपर के इनको बोलेंगे चेचिस कपलर। और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं 7, ये होते हैं जीएम के यानी फ्यूज बॉक्स के कपलर। तो इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे आइडिया से कुछ लोग, तो ये पिन का नंबर अकाउंट करके लगा देते हैं, पिन के अकाउंट नंबर करके भी लगा सकते हो, ऐसे आईजी भी आप लगा सकते हो। तभी हम एक करके लगाते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से जो है इसको। और सबसे पहले आपने क्या करना, माइनस और ये प्लस दोनों कनेक्ट करना है, सबसे पहला काम है। इधर इधर ये सही है, सबसे पहले ले ये लिखा गया 13 नहीं है, X3 पॉइंट है ये, X1.3 है ये, कौन सा है ये 26 नंबर, ये 27 का 26 कहाँ मिलेगा, 20 21 22 23 24 25 26, ये वाला ये 26 नंबर, ये 23 नंबर, ये कौन सा, ये 7.2 इसका 20 नंबर है, 20 नंबर है, और ये 3.2 6.1 6.3 इसका रहेगा, इधर का। इसके बाद ये क्या है, ये 7.7 है, फिर इसका
1.3 है इसका नंबर, गलत लगा हुआ है। ये है X4.2 ये वाला, ये कौन सा है 4.6 2.1 2.2 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
ये गियर का है, ये कौन सा है, 24 ये आएगा इधर, फिर बाद में लगाना है 3.1 3.2 ये कौन सा है, X24 का ना, X24 का।